and we continue to follow these actions closely, including the arrest of delhi chief minister uh, 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 kejriwal. Well, the arrest of an opposition leader ahead of india's general election has. Arvind khardeval is delhi's chief minister and. will you comment anything ma'am. and we encourage fair transparent and timely legal processes for each of these issues with. <laughs> किसी भी उठ रही आवाज़ को करोड़ता से दबा सकते हो लेकिन मोदी जी भूल गए कि इस देश की मीडिया और इस देश के विपक्ष को तुम अपने तमाम संसाधनों के बल पर दबा सकते हो लेकिन विदेशों से उठ रही आवाज और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुंह को कैसे बंद करोगे इस देश की मीडिया का क्या हाल है वो किस तरह से सत्ताधारी पार्टी की गोदी में बैठा है डिस्कशन और इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है विपक्षी नेता जो थोड़ा सा उफ करते हैं उनके पीछे ई डी सी बी आई दौड़ा दी जाती है जेलों में ठूसा जाता है या उनकी चुनी चुनाई सरकार को तोड़कर अपने अंदर मिला लिया जाता है ये सारे प्रकरण अब तक हमने देखे लोकतांत्रिक देश में तानाशाही रवैया हमारे सबके सामने सामने बिल्कुल गुंडई के साथ हो रहा था लेकिन तानाशाह ने तनिक भी गुरेज नहीं किया वो जो करता जा रहा था वही सही है इस बात को इस देश की जनता के ऊपर थोपता गया लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया मुख्यमंत्री एक चुने हुए दिल्ली की जनता जो भारत की कैपिटल है उसके मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहते हुए जेल में डालना विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना ये बातें हमारे देश तक सीमित नहीं रही विदेशी मीडिया में बढ़ चढ़ कर ये चीज़ें शामिल हुई हर देश से बड़े बड़े देश जितने भी हैं वहाँ से आवाज़ उठी मीडिया में छपी अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी कि भाई साहब भारत देश की जो कैपिटल है वहाँ के मुख्यमंत्री जो कुर्सी पर है उसको भी जेल में ठूस दिया गया है सबको पता है कि भ्रष्टाचार में खुद सत्ताधारी पार्टी कितनी संलिप्त है जो भ्रष्टाचारी विपक्ष में है उनके खिलाफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बयान देते हैं आरोप लगाते हैं लेकिन जैसे ही वो वॉशिंग मशीन से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं सारे केस बंद हो जाते हैं सारे मिटा दिए जाते हैं कोई जिक्र नहीं होता है भाई साहब विदेशी मीडिया ने जो प्रतिक्रिया दी वो सबके सामने आई उस समय पर हमने सारी चीज़ें बताई थी विदेशी मीडिया में प्रतिक्रिया आई तो उसके बाद राजनयिक जो हैं विदेश मंत्रालय जो हैं दूसरे देशों के उनसे भी आवाज़ उठने लगी जर्मनी ने आवाज़ उठाई उसके बाद अमेरिका ने आवाज़ उठाई जर्मनी की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम मांग करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फ्री और ट्रांसपेरेंट न्याय दिया जाए उनको सारी सुविधाएं, तो जेल के अंदर हैं उनके राइट्स जो हैं वो मुहैया कराया जाए जल्द से जल्द न्यायपालिका उनको न्याय दे इसके बाद क्या हुआ तमाम गोडसेवादी और कई वामपंथ दल को लगा लीजिए राइट विंग के पत्रकार लगा लीजिए सब ने आवाज़ उठानी शुरू की तो राजनीतिक जो थे इंडिया में जर्मनी के जो एम्बेसी है वहाँ के प्रतिनिधि को बुलाया गया बताया जा रहा है कि काफ़ी डांट-फटकार लगाई गई उसके बाद स्टेटमेंट ये आया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है कि ये हमारा आंतरिक मामला है इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए जर्मनी के बाद अमेरिका से ही ऐसा स्टेटमेंट आया अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस मसले पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं फ्री होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए फेयर होना चाहिए सारा का सारा न्याय विपक्षी पार्टियों को मिलना चाहिए हम ये भी नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खातों को लोकसभा चुनाव से पहले फ्रीज कर दिया गया है उनको कैंपेन करने में दिक्कत हो रही है हम आशा करते हैं कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है वहाँ कानून सम्मत न्याय सबको मिलेगा इस प्रतिक्रिया के बाद देखिए कई लोग आवाज़ उठाने लगे थे कि जर्मनी को तो बुलाकर डांट दिया क्या भारत का विदेश मंत्रालय अमेरिका के दूतावास से किसी को बुलाकर यहाँ अपने डांट फटकार लगाएगा ठीक ऐसा युवा डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन जो है ग्लोरिया बेरबाना जी इनको बुलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में चालीस मिनट तक मीटिंग चली उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई खबरें सामने निकल कर ये आई कि यहाँ पर भी आपत्ति जताई गई है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है अमेरिका इसमें हस्तक्षेप न करे तमाम गोडसेवादी नफरती चिंटू और भाजपा के टुकड़ों पर पलने वाले लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया सोशल मीडिया पर कि लो कर दिया ना जर्मनी को भी फटकार लगा दी और अमेरिका को भी फटकार लगा दी लेकिन फटकार लगा दी अपनी आपत्ति दर्ज कर दी ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गोडसेवादियों की नज़र से नहीं देखा जाएगा जी हाँ अमेरिका ने आज फिर अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है वैसा का वैसा स्टेटमेंट एक पत्रकार ने सवाल पूछा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से ऑफिशियल जो विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि होता है अमेरिका में उनसे पूछा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत ही चिंता जाहिर की है कि विपक्षी पार्टी का खाता फ्रीज़ कर दिया गया है कंपेनिंग करने में दिक्कत हो रही है मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं उनको जेल में डाल दिया गया है राहत मिलती है नहीं दिख रही है तो उन्होंने जो बयान दिया वो स्पष्ट तौर पर पहले आप सुन लीजिए अंग्रेजी में है फिर मैं इसका हिंदी हिंदी अनुवाद भी बताऊँगा and we continue to follow these actions closely, including the arrest of delhi chief minister uh, 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 kejriwal. we are also aware of the congress, congress party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. <laughs> उनके ऊपर चाबुक अमेरिका ने फिर से चला दिया अपने स्टेटमेंट पर कायम है राजनयक को बुलाकर उनके साथ मीटिंग करने के बाद का ये स्टेटमेंट है फिर से कह दिया कि हमारी नज़र बनी हुई है इस मुद्दे के ऊपर कि विपक्ष के साथ किस तरह की कार्रवाई हो रही है कांग्रेस के खाते फरीज हो रहे हैं केजरीवाल को बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट न्याय मिले हम इसकी आशा करते हैं तो क्या फिर से राजनयिक को बुलाकर डाट फटकार लगाई जाएगी बड़े देश जितने भी हैं डेमोक्रेटिक्रेटिक कंट्रीज हैं और अमेरिका जैसे देश के स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट से दुनिया के बाज़ार पर बहुत फ़र्क पड़ता है अगर फेडरल बैंक आज घोषणा करने वाला है कुछ भी उससे पहले बाज़ार में हलचल शुरू हो जाती है। इंटरेस्ट रेट एक दो परसेंट पॉइंट से भी ऊपर नीचे कर देता है तो वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है यू एस डॉलर उनकी करेंसी है उनसे बाज़ार मैनेज होते हैं ये सच्चाई है और बार बार अमेरिका जैसा देश इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है कि भारत जो तथाकृत मोदी के द्वारा बनाया गया विश्व गुरु देश है उसमें ये चल क्या रहा है तो यकीन मानिए ये खबर जो अब तक दबी हुई थी ये पूरी दुनिया में पहुंच गई हर देश के लोगों को पता चल चुका है कि इंडिया में विपक्ष के मुख्यमंत्री को ही उठाकर जेल में डाला जा रहा है जो उस कुर्सी के ऊपर बैठा है वो ये भी खबरें खोजेंगे कि अपनी ही पार्टी के भ्रष्टाचारियों के साथ मोदी सरकार क्या रवैया बना रही है सबके सामने तस्वीर सामने आ जाएगी कि भारत डेमोक्रेटिक वे से एक ऑटोक्रेसी में जाने वाला है तानाशाही की तरह बढ़ रहा है तो विदेशी कंपनियां जो इन्वेस्ट करती हैं बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर आकर फैक्ट्रियाँ खोलने चाहते हैं वो तो दूर की बात है टूरिस्ट भी यहाँ आने में हिचकिचाएँगे ये सच्चाई है आज आप स, अपने ही दिमाग से सोच लीजिए चाइना जैसी कंट्रीज़ के बारे में हम हमें पता चलता है कोरिया के बारे में पता चलता है जिसमें डेमोक्रेटिक अधिकारों का हनन आम बात है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए जाता है तो दस बार सोचेगा यार वहाँ तो उन, उनके देश के नागरिकों को ही नहीं छोड़ा जा रहा हमें कहाँ छोड़ेंगे तो मुझे बताइए दूसरे देश की कंपनियाँ मोटी रकम लगा कर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगी इस देश के लोगों को रोज़गार मिल पाएगा बहुत ही असंभव बात हो जाती है ऐसा ही आंकड़ों के हिसाब से आने लगा है आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए अखबार की कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ स्लेगिस एफ डी आई ग्रोथ इज न्यू हैडेक फॉर गवर्नमेंट जी हाँ एफ डी आई ग्रोथ स्लेगिस हो रही है नीचे की तरफ जा रही है सिकुड़ रही है भारत की कंपनी विदेशी कंपनियाँ पैसा लगाने में हिचकिचा रही हैं क्यों क्योंकि उनको यहाँ पर लोकतांत्रिक वे में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कोरोना के समय में जो एफ डी आई थी उससे भी नीचे इस 2022 23 के साल में नीचे आ गई है कितनी बताई जा रही है आपकी स्क्रीन पर आप एक फिर से देख लीजिए एफ डी आई इक्विटी इन्फ्लोज डिक्लाइंड बाई ट्वेंटी टू परसेंट ईयर ऑन ईयर टू फोर्टी सिक्स बिलियन डॉलर पर आ गई है घटकर भाई साहब ये स्थिति है विश्व गुरु तथा कथित भारत में जो डंका बजाया जाता है ना गोदी मीडिया के द्वारा और नफरती चिंटों गौड़ सेवादियों के द्वारा ये विदेशों में भारत के में की इकोनॉमी की सच्चाई है विपक्ष को खत्म करने की सनक में सबको जेल में ठूसा जा रहा था अंतिम कड़ी केजरीवाल पर प्रहार करना बहुत भारी पड़ गया ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी खबर बन चुकी है केजरीवाल को लेकर जो तमाम मिथ्याएँ चलाई जा रही थी उनको बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही थी वो सब इस देश की जनता और दुनिया की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है एक दिल्ली जैसे राज्य में उनकी सरकार थी पंजाब में सरकार थी अब उनकी चर्चाएं पूरे विश्व में है मोदी जी ने बहुत गलत जगह हाथ मारा है अब फिर से बुलाएंगे इनको अमेरिका के राजनयिक या उनके दूतावास से किसी बुला कर कहेंगे कि हमने फटकार लगा दी वो चुप हो गया भाई साहब अब आप कह रहे हैं कि ये हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल है तो मुझे आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र ने मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप को गुजरात बुलाकर हाउडी ट्रंप हाउडी ट्रंप करना और असंख्य लोगों को रोड के किनारे खड़े करना पूरे स्टेडियम को भर देना भीड़ से वो उनके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें नहीं थी बताया यहीं जा रहा है जानकारों का कहना है कि जो बाइडन का प्रशासन नाराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पॉलिटिकल इफेक्शन जो किया गया था उसके चलते तो उनसे इस तरह की अपेक्षा हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको बुलाकर एक राजनीतिक माहौल तैयार करना शोभा देता है ये तो खुद इनको सोचना चाहिए था कि इसके परिणाम क्या होंगे ज़रूरी नहीं ट्रंप जीते और कोई भी जीत सकता है ये तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था ना अब खुद ने इस तरह की एक्टिविटी कर दी और वहाँ से बार बार इस तरह के बयानात आ रहे हैं भुगतेगा कौन इस देश के नागरिक भुगतेंगे हमारा देश भुगतेगा इनको तो सिर्फ कुर्सी से मतलब है कोई कुछ कही जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई साहब ये सरासर देश के अलग अलग जो प्रकरण हो रहे हैं हमारे इंटरनल मैटर्स में दूसरे देशों के द्वारा ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आ रहा है ये विदेश मंत्रालय का फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का सरेआम फिसड्डी होना दिखाता है भाई साहब कहाँ हैं हम विश्व गुरु के लेवल के ऊपर ये इस देश की जनता को खुद आंकना है प्रधानमंत्री मोदी और इनका कैबिनेट कितना डंका बजवा रहा है हमारे देश में और विदेशों में तस्वीरें आपके सामने देश में बड़े बड़े मंदिर बना दिए फिर रोजगार किस लिए चाहिए विदेशों में जाकर मंदिर बना रहे हैं कौन सी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर लेकर आ गए जिससे देश की जनता को रोज़गार मिल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट उठा लीजिए उनके दफ्तर टेंडेंसी लोगों की ये हो गई है कि दफ्तर बंद करने तक की उनकी नौबत आ गई है कहा था दो करोड़ रोजगार दूंगा चमकता हुआ सितारों में चांद जैसा हमारा भारत चमकेगा हमारी आकांक्षाएं अब भी हैं हमारा भारत वैसा हो हम आशा करते हैं हमें खुशी होती है इस बात की लेकिन इस तरह की कूटनीति अब विदेशों के साथ प्रयोग में लाएंगे तो वहाँ से जो टिप्पणी आ रही हैं फिर बिलबलाना गलत है इस देश की जनता को इस ओंधे मुँह जिस तरह से कूटनीति में आप डाल रहे हैं ये आपकी नीतियों का फेलियर है मुझे बताइए कि कब इस तरह की टिप्पणी इंटरनल मैटर में बार बार विदेशी मीडिया और दूसरे देशों के आधिकारिक बयान से बयानों के माध्यम से आई थी सोच लेना चाहिए इस देश की जनता को कि हमारे साथ वोट लेकर जो कुर्सी पर बैठे थे बड़ी बड़ी बातें हमको दिखाई थी एक नया चमकता हुआ भारत दिखाया था उसकी हकीकत इस सरकार के प्रशासन ने क्या बना दी दूसरे देशों की इतनी हिम्मत कि वो इस तरह की टिप्पणी दे सवाल तो उठेंगे मोदी जी जयशंकर जी सवाल तो उठेंगे जनता जानेगी आपसे कि क्यों बार बार अमेरिका जैसा देश इस तरह की टिप्पणी कर रहा है और उसका भुगतान इस देश की जनता को करना पड़ रहा है सोचेगा विचारेगा बहुत बहुत बड़ी है छोटी नहीं है बहुत बड़ी बात है विश्व गुरु कितना बड़े हैं हम विषव के मंच पर हमारी क्या इज्जत मोदी जी और इनका मंत्रालय करवा रहा है इनकी मिनिस्ट्री करवा रही है दिमाग में उलझने दूर करके सोचने की जरूरत है नमस्कार